Hello everyone, welcome to my channel Study with AAA. Today I am going to discuss about the very important exam, that is BCIL, which is only organized for the biotechnology student. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो रखते हैं। तो ये वीडियो है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीएससी बायोटेक के स्टूडेंट हों, चाहे बीटेक बायोटेक के और चाहे एमएससी बायोटेक के। तो आज हम जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं वो है बीसीआईएल। बीसीआईएल क्या होता है, इसे कौन कौन दे सकता है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं और इस एग्ज़ाम के क्या बेनिफिट्स हैं, आज हम इन सब बारे में बात करेंगे। तो बीसीआईएल क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों आखिर हमें इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, ये सब हम आज बताएँगे। तो अक्सर क्या होता है, कुछ लोग अपने ग्रेजुएशन के बाद फर्दर रिसर्च में चले जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि बायोटेक में इतना आसानी से जॉब नहीं मिलती है। इसका कारण यही है कि लैक ऑफ स्किल्स, हमारे पास स्किल्स की कमी होती है, हमें इतना नहीं पता होता है जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज मार्केट में चल रही है जिसकी ज़रूरत है, उन सब बारे में हमें नहीं पता होता है, और जो कॉलेजेस हैं वो इतना नहीं सिखाते हैं कि हमें प्रॉपर हैंडलिंग आ सके। तो BCIL क्या करता है, यहाँ पे BCIL की क्या इंपॉर्टेंस है, तो BCIL जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराता है जिसे हम बोलते हैं BITP, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमारे स्किल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। तो BCIL है क्या, व्हाट इज़ BCIL? BCIL जो है वो बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, ये एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो BCIL एक तरीके से देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म है, एक बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने ग्रोथ लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने ग्रोथ लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, कि अपनी फील्ड में अगर वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो BCIL जो है वो इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो DBT क्या है, जो DBT के साथ मिल के ये कैसे काम करता है, तो DBT जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुगेदर विद BCIL यानी कि बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट हु हैज़ ग्रेजुएट और परसुइंग इन फाइनल सेमेस्टर इन BTech एंड MSc। ये मतलब कि जो BTech कर रहे हैं या फिर जो MSc कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आपके पास एटलीस्ट 4 ईयर की डिग्री होना ज़रूरी है। BSc वाले इसे नहीं दे सकते हैं, BSc वाले अपने MSc के बाद इसे दे सकते हैं और BTech वाले इस एग्ज़ाम को अपने फाइनल ईयर सेमेस्टर में दे सकते हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ BCIL इज़ टू प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू बायोटेक स्टूडेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड इन्हेंसिंग देयर जॉब अपॉर्चुनिटी इन बायोटेक इंडस्ट्री। अगर आप अपनी बायोटेक इंडस्ट्री में अपने आप को एक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो BCIL एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन दिस प्रोग्राम, ये जो BCIL जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है जिसे बोलते हैं BITP, तो BITP में क्या होता है, इन दिस प्रोग्राम ट्रेनिंग विल प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग जो होती है वो प्रोवाइड होती है, कितने टाइम के लिए, ट्रेनिंग को 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ ही साथ क्या होता है, 10,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है आपको 6 मंथ के लिए। तो ये एक तरीके से आपको बहुत अच्छा, यहाँ पे आप अच्छे से सीख भी सकते हैं और आपको ज़्यादा फीस भी नहीं पे करनी पड़ती है और अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। BCIL का फॉर्म जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद में आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको एक कंपनी दी जाएगी जिसमें आप 6 मंथ तक ट्रेनिंग करेंगे और आपको 10,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो मैं हर एक बायोटेक स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर 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 दें। अधिकतर लोगों को BCIL के बारे में नहीं पता होता है तो इसलिए इसकी अवेयरनेस होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर बायोटेक स्टूडेंट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर देंगे। थैंक यू।